हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब बढ़िया चल रहा है, सब मज़े में, सब पढ़ाई हो रही है। तो जैसे कि आप लोगों से पहले ही बताया गया था कि हम लोग यूट्यूब पे आपके डाउट डिस्कस करेंगे, जो भी टेलीग्राम पे स्टूडेंट हमको डाउट भेजेगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम वगैरह हम सारे भी अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसी तरह का एक बढ़िया सा डाउट अभी अभी एक स्टूडेंट ने भेजा था, उसको मैंने देखा तो वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके सामने ये क्वेश्चन को अच्छे से शॉर्टकट, उस स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर शॉर्टकट मेथड से समझाना, तो एक क्वेश्चन हम वाला डाउट वाला आपका करवाते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे इस पे। तो पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन कितना मजेदार है। तो क्वेश्चन क्या कहता है इसको पढ़ते हैं पहले, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है। ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 35 मिनट अधिक समय लेती है। ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय अ क्वार्टर। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति एक चौथाई कम हो जाती है। सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए। तो वो एक ट्रेन से 30 मिनट अधिक समय लेने लगती है उसी यात्रा को तय करने में। व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए? तो है क्या हमारे पास दो ट्रेनें हैं ए और बी, ठीक। अगर हम बात करें कि मान लिया हमारी जो ट्रेन बी है, मान लिया एग्जैक्ट नहीं है, मान लिया कि ट्रेन बी जो है वो 10 बजे किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ट्रेन ए है वो 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। यानी कि ट्रेन ए कब पहुंच रही होगी? 10:45 पे। केवल ये मानने वाली कंडीशन है, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। बी अगर 10 बजे पहुंच रही थी तो ए कितने टाइम पहुंच रही होगी? 10:45 पे। अब क्या हुआ कि बी में खराबी आई है, ए में तो खराबी आई नहीं है, बी में कुछ खराबी आई जिसकी वजह से उसे ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगने लगा। जब इसे 10:45 पे पहुंच रही थी, 30 मिनट ज्यादा लगेगा, यानी कि ये अब उस प्लेस में कब पहुंच रही होगी? 11:15 पे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब समझना, डिस्टेंस जो है वो दोनों ही कंडीशन में क्या है? सेम। दोनों ही कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो तो हमें सेम ट्रेवल करनी है। और आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है वो चेंज इंटरचेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक, तो केवल बात हो रही है बी की, ध्यान देना, केवल बात हो रही है बी की। और बी की जो स्पीड है पहले अगर कितनी कम करनी है? 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4 कम करनी है। यानी कि अगर ओरिजिनल 4 थी तो खराबी के बाद उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? 3। अगर ओरिजिनल चाल थी तो खराबी के बाद कितनी हो चुकी है? 3। अगर स्पीड का रेशियो 4:3 हो चुका है तो टाइम का रेशियो कितना हो चुका है? 3:4। क्लियर है? टाइम का रेशियो कितना हो चुका है? 3:4। यानी कि जब वो एक्चुअल चाल से चल रहा था तो वो 3 मिनट में अगर पहुंच रहा था, तो अब वो कितने मिनट में पहुंच रही है ट्रेन? 4 मिनट में। टाइम के बीच का अंतर कितना है? 1 मिनट का। और जरा हम यहां पे अंतर देखें तो 10 बजे की जगह वो 11:15 पे पहुंचने लगी, यानी कि कितने मिनट ज्यादा लेने लगी? 75 मिनट। जब 1:75 मिनट है तो एक्चुअल टाइम उसका कितना है? 3×75। ठीक, 3×75, तो हम यहां से ए की स्पीड निकाल सकते हैं, सॉरी बी की स्पीड निकाल सकते हैं। बी की स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी? 3×75 करोगे तो 3×5 कैरी 1, 3×7 21 22, 225 मिनट लगेंगे बी को अपने डेस्टिनेशन एक्चुअल स्पीड से पहुंचने में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर हमें बी ए की स्पीड निकालनी है तो बी की अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 450। ये किसकी निकालने हैं? ए की। जब हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 450, टाइम हमारे पास कितना है? 225 × 60 × 60 × 60, क्यों? क्योंकि डिवाइडेड बाई 60 तक डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 120 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हमारी कितनी आ चुकी है? किसकी आ चुकी है? बी की आई है मेरे भाई, अभी ए की नहीं आई है, ध्यान देना। बी की आई है, ए की नहीं आई है। हमें निकालनी किसकी है क्वेश्चन में? ए की। तो आराम से निकालेंगे, समझना, एक्चुअल चाल से जब चल रहा है तो बी जो है वो ए से कितने मिनट अधिक समय ले रहा है? 45 मिनट। और एक्चुअल में वो कितने चल रहा है? 225 में 45 मिनट ऐड कर दोगे, कितने मिनट हो जाएंगे? 270। तो ए को 270 मिनट लगेगा 450 की डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो 450/270 डिवाइडेड बाई 60 की जगह ऊपर भेज दिया 60 को। ठीक, 0 से 0 हटा दिया, 9 × 3 = 27, 9×5 = 45, 3 से इसको डिवाइड किया 20×20 × 5, आंसर आ गया 100 km/h। समझ में आ गई बात? तो केवल रेशियो का खेल था और ये क्वेश्चन आपने चुटकी में सॉल्व कर लिया, कोई परेशानी नहीं हुई। ओके, बिना समय व्यर्थ किए एक और क्वेश्चन इसमें जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी से। समझ में आ गया है ना ये वाला क्वेश्चन? कोई परेशानी तो नहीं हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है।
टू ट्रेवल 720 किलोमीटर अ एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 6 आवर्स मोर देन दुरंतो. तो अगर दुरंतो 12 बजे पहुंच रही थी, दुरंतो अगर 12 बजे पहुंच रही थी तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 6 घंटे बाद पहुंचेगी ना, 6 घंटे बाद पहुंचेगी. यानी कि अगर ये 12 दोपहर में 12 बजे पहुंच रही है तो ये शाम को 6 बजे पहुंच रही है. ठीक है, अब क्या किया गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को हमने डबल कर दिया है तो उसे 2 घंटे कम समय लगने लगा है. यानी कि वो कब पहुंचने लगी है, सुबह 10 बजे. तो सुबह 10 बजे ये AM है और ये क्या है PM. अंतर कितना हो जाएगा, 8 घंटे का. स्पीड का रेशियो एक्सप्रेस का 1:2 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1. अंतर आया 1:1 = 8 तो एक्चुअल स्पीड यानी कि 16 घंटे किसको लग रहे हैं, एक्सप्रेस को. जब एक्सप्रेस को 16 घंटे लग रहे हैं तो 6 घंटे कम लग रहे थे दुरंतो को, तो दुरंतो को कितने लगेंगे, 10 घंटे. जब दुरंतो को 10 घंटे लग रहे हैं और स्पीड पता करनी है और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 720, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आंसर कितना, 72 km/h. तो उम्मीद करते हैं कि अब आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी. ये ट्रेन में भी आता है, कैसे भी क्वेश्चन हो कि स्पीड डबल करने से टाइम में कोई फर्क पड़ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को रेशियो से कर सकते हैं, हो जाएगा. ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले. कम से कम लगना चाहिए ना कि सर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर रहे हैं. इसी तरह अगर कोई भी अच्छा डाउट होगा तो हम यूट्यूब में डिस्कस करेंगे. टेलीग्राम में मैथ्स डाउट बाई सुजाउद्दीन खान नाम से जो ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं. जो भी डाउट अच्छा होगा हम यूट्यूब में डिस्कस करेंगे. बस आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें. ठीक, थैंक यू, बाय बाय.